लेकिन कोई कुछ नहीं करता गरीबों के लिए। मर गया गरीब आदमी संजय गांधी ने, सब उठ गया जनता का, कुछ नहीं होने वाला यहाँ संजय गांधी बेटा। हमारी 26 साल की बिहार थी, जान चली गई, बताइए कौन देखने वाला है? कोई है डॉक्टर यहाँ देखने वाला कि मरीज को क्या हुआ है? आज हम बोलते हुए मरीज को यहाँ लेके आए थे, हमारे मरीज की 10 बजे मृत्यु हो गई, बताइए क्या करें? गरीबों का कोई कभी भला नहीं किया है, चाहे राजेश शुक्ला हो, कोई भी मंत्री हो, कोई कुछ नहीं कर सकता सर। गरीब मर जाएगा, बनेंगे बड़े आदमी बनेंगे, छोटा गरीब कभी नहीं बनेगा, मर जाएगा, ऐसे ही दम घुट जाएगा। हमारा बच्चा अनाथ हो गया, उसकी देख रेख कौन करेगा, बताइए। रीवा जिले का संजय गांधी अस्पताल जो अब देखने में ही शोभामय लगता है, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी जर्जर हैं, इसका नजारा तो रोज ही देखने को मिलता है। ताजा मामला एक महिला का सामने आया है जिसकी प्रसव के बाद मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के संबंध में ओमकार कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपनी पत्नी अनीता कुशवाहा को डिलीवरी के लिए गांधी मेमोरियल चिकित्सालय के गायनी वार्ड में लाया था, जहां ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ। उसके 4 दिन बाद अनीता को वह घर लेकर चला गया, जहां अनीता की हालत बिगड़ने लगी, जिसे उपचार के लिए कल रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय ले गया था। ओमकार ने बताया कि उसकी पत्नी को खांसी आ रही थी और देर शाम महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। क्या करता हूँ बताइए सर। यहाँ हम 24 तारीख को अपने भ्याव को, जिसका नाम अनीता कुशवाहा है, डीएवी में भर्ती किया था गायनी विभाग में, तो बच्चा होने वाला था। यहाँ लाया तो डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन से बच्चा होगा। हो गया, हम भर्ती किए रहे, दूसरे दिन ऑपरेशन किए, वो भी किसी के बिना साइन की, ना कोई पूछा ना कुछ नहीं कि ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है, क्या है। ऑपरेशन कर दिए, बच्चा हो गया, सब कुछ अच्छा था। इसके बाद 3 दिन हमको रखे वहाँ पे गायनी विभाग में, उसके बाद हमको छुट्टी दे दिए, बोले सब कुछ ठीक है, ले जाओ घर। हम घर चले गए, उसके 2 दिन बाद सर कुछ हुआ नहीं, खांसी हल्का, पेशेंट को हल्का खांसी थी। तो आज सुबह ऐसा लगा कि मरीज का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो जिससे हम यहाँ लेके आए संजय गांधी, तो यहाँ भर्ती किए, तो 7 नंबर में मेडिसिन विभाग है, उसमें दिखाए, डॉक्टर साहब बोले ऑक्सीजन की थोड़ा कमी है ना। उसके बाद हम यहाँ से हमको रेफर कर दिया ICU 3 नंबर में, वहाँ गए तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि इनके फेफड़े में पानी है। कल तक हमारा मरीज एकदम स्वस्थ था, आज इतना ज़्यादा पानी हो गया कि मतलब मरीज ख़त्म हो गया, बताइए। 26 साल की थी, अभी अभी 6 दिन पहले बच्चा हुआ। क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर कि हमारी विनती है कि इस तरह की मौत हमारे रीवा में ना हो, कि आदमी अनाथ हो जाए, बच्चे अनाथ हो जाए। ये मंत्री जी से अनुरोध है कि ये संजय गांधी को देख ले, ऐसे किसी के ऊपर ना हो जुल्म। बड़ी बड़ी सौगातें देते हैं, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, इतना बड़ा जुर्म हो रहा है, बताइए। इतनी बड़ी अस्पताल बनी, कोई डॉक्टर नहीं, मेडिकल के भरोसे छोड़ दिए हैं, बताइए। किसकी लापरवाही मानते हैं? ये सब डॉक्टरों की लापरवाही, हमारे मरीज की फेफड़े में पानी नहीं था, ये बोलते हैं पानी भर गए तुम्हारे फेफड़े में, बताइए क्या करें सर, बताइए। हम तो गरीब आदमी मर गए, हमारे बच्चा अनाथ हो गया, बताइए सर क्या करें आप? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता गरीबों के लिए। मर गया गरीब आदमी यहाँ संजय गांधी ने, सब उठ गया जनता का, कुछ नहीं होने वाला यहाँ संजय गांधी बेटा। हमारी 26 साल की बिहार थी, जान चली गई, बताइए कौन देखने वाला है? कोई है डॉक्टर यहाँ देखने वाला कि मरीज को क्या हुआ है? आज हम बोलते हुए मरीज को यहाँ लेके आए थे, हमारे मरीज की 10 बजे मृत्यु हो गई, बताइए क्या करें? गरीबों का कोई कभी भला नहीं किया है, चाहे राजेश शुक्ला हो, कोई भी मंत्री हो, कोई कुछ नहीं कर सकता सर। गरीब मर जाएगा, बनेंगे बड़े आदमी बनेंगे,
छोटा गरीब कभी नहीं बनेगा, मर जाएगा, ऐसे ही दम घुट जाएगा। हमारा बच्चा नहा तो गया, उसकी देख रेख कौन करेगा बताइए।